वादी नीलम जहां अपने खूबसूरत नजारों, दिलकश पहाड़ों और दरियाओं की वजह से शोहरत रखती है, वहीं इस वादी में वाकई शारदा यूनिवर्सिटी न सिर्फ खूबसूरती बल्कि तारीखी पस मंजर के एतबार से खुसूसी अहमियत की हामिल है। इस तारीखी यूनिवर्सिटी की सैर करवाएंगे नासिर रफीक। खूबसूरत पहाड़, दरिया, आबशारे और कुदरत के दिलकश नज़ारे जहां सियाहों को अपने शहर में गिरफ्तार कर लेते हैं, वहीं श्रीनगर के जनूब मगरब में वाकया शारदा यूनिवर्सिटी अपने तारीखी एतबार से नहायत अहमियत की हामिल है। अल बिरूनी अपनी तसनीफ किताबुल हिंद में शारदा का जिक्र करते हुए लिखते हैं की अहले हिंद इस मकाम को इंतहाई मुतबरक तसव्वुर करते थे और बैसाखी के मौके पर हिंदुस्तान भर से यहाँ लोग यात्रा के लिए आते हैं। ये यूनिवर्सिटी किसी जमाने में हिंदू मत और बुद्ध मत की बहुत बड़ी और अजीम दरसगाह रही है। शारदा यूनिवर्सिटी में बुद्ध मत की बकायदा तालीम के साथ साथ तारीख, जग्राफिया, मंतक और फलसफे की मुकम्मल तालीम दी जाती थी और यहाँ पर नयाब कुतुब का जहीरा मौजूद था। इस दरसगाह का अपना रस्मुल खत था जिसे शारदा कहा जाता था। शारदा यूनिवर्सिटी की इमारत आज भी इंजीनियर्स को अपने तर्ज तामीर की वजह से हैरत में डाल देती है, लेकिन वादी नीलम के बेशतर मकामात की तरह शारदा यूनिवर्सिटी भी अपनी तारीख को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए हुकूमत वक्त की तवज्जो की मुंतजर है। नासिर रफीक चौधरी, डॉन न्यूज़, शारदा, वादी नीलम, आजाद कश्मीर।